नमस्कार, आप देख रहे होंगे 24/7। इस समय मौजूद है दक्षिण दिल्ली के बदरपुर में और आज यहाँ पे जो है इमरान सैफी के द्वारा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यहाँ पे खड्डा कॉलोनी में अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं हैं उनके लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के बदरपुर के विधायक नयनदत्त शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं आज जो ये कार्यक्रम किया गया है इसको लेकर। सर, दिल्ली सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिसको दिल्ली सरकार ने लागू किया है और आज यहाँ पे जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके शिविर का आयोजन करने से क्या जो दिल्ली सरकार की योजना है जन जन तक पहुँच जाएगी? देखिए, हमारे नेता पढ़े लिखे हैं, हमारे नेता एसी में बैठकर योजनाएं नहीं बनाते, आवाम के बीच में आकर कुछ चीज़ें करते हैं और कोशिश करते हैं जो उन्होंने सोचा है वो ज़मीन तक पहुँचे, जैसे पानी पर, बिजली पर, एजुकेशन पर। आज विरोधी भी एजुकेशन की तारीफ करते हैं ना जी, आज विरोधियों को भी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराते हैं ना जी। विदेशों में रहने वाले लोग बहुत सारे ऐसे देशों से जहां विकसित देश हैं वो भी आकर आज हमारे मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है इस तक भी योजनाएँ पहुँचें, ये भी कहीं ना कहीं मेन उस पर आए, इनके भी बच्चे एजुकेशन में ऊपर के स्तर पे जाएं। चंद लोग ही अल्पसंख्यकों में आगे बढ़ें, बाकी लोग पीछे जाते रहे क्योंकि सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। सरकारों ने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती रही। अगर बच्चा पढ़ जाता है, समझ जाता है तो नेता से सवाल जवाब कर सकता है जी। ये तो चाहते ही नहीं थे कि आने वाली पीढ़ी इतनी विकसित हो, इतनी पढ़ी लिखी हो कि हमसे पूछ सके कि आपने 5 साल में क्या किया है। हमारा नेता ये चाहता है कि कम से कम सब इतने पढ़ लिख कर जागरूक हो जाएं कि अपनी सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से, अपने मुख्यमंत्री से सवाल जवाब कर सकें। ये जागरूकता उस आवाम के लिए है कि ये हमने फंड सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि ये सिर्फ ये हो जाए कि टीवी में चल जाए कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए किया है। हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक इसका फ़ायदा उठाएं, इससे आगे बढ़ें। हम मौजूद हैं इमरान सैफी जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में यहाँ पर यह कार्यक्रम किया गया है। इमरान जी, जो कार्यक्रम आज किया गया है, जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है जो भी दिल्ली सरकार की योजना है उनको लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हकीकत यह है कि जो योजनाएं आती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं या दिल्ली सरकार की हैं, वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती। क्या कारण ऐसा है कि वो स्कीमें नहीं पहुँचाती? कहीं ना कहीं हम लोगों में से ही कोई है जो उन योजनाओं को हम तक पहुँचाने वाले हैं, उन्हीं के माध्यम से योजना नहीं पहुँच पाती, इस बात को मानते हैं आप? मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये राजनीति जो सिस्टम है ये सारी सुविधाओं को ज़मीनी स्तर तक नहीं आने देता। इसी के लिए जो NGOs आज पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम उन NGOs की मेहनत से जो केंद्र सरकार की जो सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, जो दिल्ली सरकार की सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, वो NGOs का माध्यम है जो सब तक पहुंच जाता है। सिस्टम जो सरकार के सिस्टम हैं, मैं ये नहीं कहता उनमें कोई बहुत बड़ी खामी है, लेकिन ये कि एक बड़ा हमारा देश है, बड़ी आबादी का देश है, तो कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें सारी। तो उसमें अगर NGOs का या हमारे जैसे सोशल वर्कर जो हैं वो सब अगर इसमें हेल्प कर वो सारी सुविधाएं जनता तक, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में हमारे सहयोग कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं, तो वो कोई बुराई नहीं है, वो ठीक है, वो सारा काम कर रहे हैं। दिस इज प्रोग्राम इज अल्पसंख्यक और इसमें माइनॉरिटीज रिलेटेड या गिवन इंफॉर्मेशन ऑल दिस लेडीज एंड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स आर देयर इन माइनॉरिटी। सो इफ यू आर कनेक्टेड विद अस सो इट्स बेटर देन यू आर विजिट दिस प्रोग्राम एज अ दिस टाइम एज अ मेंबर, एज अ मेंबर चीफ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट आई एम कमिंग हियर, आई गिव विजिट एज अ चीफ गेस्ट एंड गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। दिल्ली सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारी योजनाएं लागू आई हैं लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाई है। इस तरह के जागरूकता कैंप शिविर लगाने का प्रयास दिल्ली सरकार ने किया है जिससे कि दिल्ली सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। अब 2020 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, दिल्ली सरकार की क्या क्या योजनाएँ हैं और किस किस माध्यम से वो योजनाएँ जो हैं जनता तक पहुँचेंगी वो तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ।